आपका मेरी YouTube चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स फॉर हेडेक और यहाँ पर हम सुजोक थेरापी का यूज करने वाले, तो फिर शुरू करते हैं सुजोक थेरापी फॉर हेडेक। यह हमारे शरीर का आगे का भाग है, यह हमारे शरीर का पीछे का भाग, यह हेड है, यह चेस्ट का भाग है, यह पेट का भाग है। यह हमारा हेड है, उसमें यह सिर का भाग है। यहाँ पर हेड के सब पॉइंट आपको मिलेंगे। किसी को सिर दर्द राइट साइड होता है, किसी को लेफ्ट साइड होता है, किसी को आगे होता है, किसी को ऊपर और किसी को सिर दर्द पीछे होता है, उनके हिसाब से आपको पॉइंट मिलेंगे। सिर दर्द अगर आगे हो रहा है, फोरहेड पे हो रहा है, कपाल में हो रहा है, तो इस तरीके से थंब के आगे उनका पॉइंट होता है। अगर सिर दर्द ऊपर हो रहा है तो इस तरीके से थंब के ऊपर उनका सुजोक पॉइंट होता है। दोस्तों अगर सिर दर्द राइट साइड हो रहा है तो इस तरीके से थंब के राइट साइड पे उनका पॉइंट होता है। इसी तरीके से अगर सिर दर्द लेफ्ट साइड है तो थंब के लेफ्ट साइड पॉइंट उनका होता है। अगर सिर दर्द पीछे हो रहा है तो इस तरीके से नाखून के नीचे उनका एक्यूप्रेशर पॉइंट सुजोक पॉइंट होता है। तो यह हो गए सभी पॉइंट। अभी इनको आपको जीनी से 2 से 5 मिनट के लिए हर एक पॉइंट को दबाना है। जहाँ पर आपको पेन है वहाँ पर यह पॉइंट को आपको दबाना है। ऊपर पेन है तो ऊपर दबाइए, आगे पेन है तो आगे दबाइए, राइट साइड पे दर्द है तो राइट साइड पे 2 से 5 मिनट के लिए धीमी से आप उनको एक्यूप्रेशर दीजिए। इस तरीके से उनको मसाज देना है, एक्यूप्रेशर देना है। लेफ्ट साइड है तो इस तरीके से लेफ्ट साइड थंब के लेफ्ट साइड के पॉइंट को आप इस तरीके से मसाज दीजिए। अगर सिर दर्द पीछे है तो इस तरीके से नाखून के नीचे के पॉइंट को आप मसाज दीजिए, उनको एक्यूप्रेशर दीजिए 2 से 5 मिनट के लिए। इस तरीके से आपको जहाँ पर पेन है वहाँ पर थंब के वह साइड के पॉइंट को आपको दबाना है, वहाँ पर एक्यूप्रेशर देना है। तो यह हो गए हेडेक के पॉइंट्स, सुजोक पॉइंट्स। अभी इनको हम सीड थेरापी और यहाँ पर हम मेथी के दाने यूज़ करने वाले। उनकी जगह पे आप मूंग के दाने भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोकल पॉइंट के लिए, मतलब कि अगर आपको कोई एक जगह पे दर्द है राइट लेफ्ट, तो यहाँ पर हम मूंग के दाने यूज़ करने वाले। यहाँ पर मैंने आधे इंच की पेपर टेप पे इस तरीके से मूंग के 3 दाने चिपका दिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको फॉर एग्जांपल राइट साइड दर्द है तो इस तरीके से मूंग के 3 दाने को आप वह जगह पे इस तरीके से अच्छी तरीके से चिपका दीजिए, ताकि मूंग के 3 दाने, तीनों दाने स्किन के कांटेक्ट में लगे रहे, वहाँ पर एक्यूप्रेशर दे, वहाँ पर सीट की एनर्जी वह पॉइंट को मिलती रहे। उनको फिर दबाते रहना है 2 से 5 मिनट के लिए, हर एक घंटे दबाते रहना है। और यह दाने को आपको 5 से 6 घंटे रखना है, उनके बाद निकाल देना है। इस तरीके से जो साइड पे आपको दर्द है वहाँ पर इनको आप लगा सकते हो। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पे राइट साइड दिखाया है, पर आप उनको लेफ्ट साइड लगा सकते हो, ऊपर लगा सकते हो, आगे लगा सकते हो, या तो पीछे भी लगा सकते हो। जहाँ पर दर्द है वह पॉइंट को आप एक्यूप्रेशर देना है और उनके जगह पर आपको सीड लगाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दर्द पीछे की ओर हो रहा है, सिर दर्द पीछे हो रहा है, तो इस तरीके से आप पीछे नाखून के नीचे इस तरीके से 3 मूंग के दाने चिपका दीजिए, उनको दबाते रहिए 5 से 6 घंटे, उनको रखिए, उनके बाद निकाल दीजिए। अभी दूसरी टेक्निक मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपको पूरा सिर दर्द हो रहा है तो यहाँ पर मैं मेथी के दाने यूज़ करके आपको ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर 1 इंच की पेपर टेप के मेथी के दाने चिपका के रखे हुए हैं। उनको आपको ऊपर के सभी पॉइंट पे चिपका देना है, सभी पॉइंट को कवर कर देना है मेथी के दाने से।
इस तरीके से आपको कवर कर देना है, क्योंकि पूरा सिर दर्द दुख रहा है तो सभी पॉइंट उसमें कवर होने वाले हैं, हो जाने चाहिए। उनके ऊपर आप दूसरी पेपर टेप लगा दीजिए। यह पॉइंट को दोस्तों आपको दबाते रहना है, दबाने से ज़्यादा फायदा मिलेगा। यह पेपर टेप को आप 2 से 5 मिनट के लिए सभी सीट को दबाते रहिए हर एक घंटे, और यह टेप को आपको 5 से 6 घंटे रखना है, उनके बाद निकाल देना है। यह सीट को दूसरी बार यूज़ नहीं करना है। तो यह हो गई सुजोक थेरापी फॉर हेडेक। दोस्तों अगर आपको मेरी यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इनको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करिए, ताकि उनको भी फ़ायदा मिल पाए। लाइक और कमेंट देके मुझे फीडबैक दीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो नए हेल्थ टिप्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।